तो आइए आज लेक्चर 19 टॉपिक नंबर सिस्टम होम असाइनमेंट। नंबर सिस्टम टॉपिक से होम असाइनमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे MCQs। क्वेश्चन 1, ए रैशनल नंबर बिटवीन √2 and √3 इज, ऑप्शन ए 1/2 × √2 + √3, ऑप्शन बी 1/2 × √3 - √2, ऑप्शन सी 2.5, ऑप्शन डी 1.5। तो इसमें चार ऑप्शन है MCQ में, कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा जो आपको डिसाइड करके करेक्ट आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन 2, व्हिच इज द करेक्ट वैल्यूज ऑफ √32 + √48 / √8 + √12, ऑप्शन ए √2, बी 2, सी 4 एंड डी 8। तो जैसे मैंने दो क्वेश्चन MCQ होम असाइनमेंट में दे दिया, ठीक है, अब इसी तरह से एक्स्ट्रा भी अपना प्रिपेयर करेंगे डिफरेंट बुक्स से। अब आइए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 3, रिप्रेजेंट √7.6 ऑन द नंबर लाइन, जैसे कि नंबर लाइन की वीडियोज में ये पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई 4th ऑर्डर √81 - 8 × √216 + 15 × 5th ऑर्डर √32 + √225। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसी तरह से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप और तैयार कर सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर कुछ विचार कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ 1/√7 + √6 - √13, √13, ठीक है। एक बार फिर से सुन लें, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ 1/√7 + √6 - √13, इसमें डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई 2/√5 + √3 + 1/√3 + √2 - 3/√5 + √2, इसे सिंप्लीफाई करेंगे सेपरेटली, सिंप्लीफाई करके और फिर इकट्ठे कर देंगे टर्म को, रेशनलाइज हो जाएगा डेनोमिनेटर जैसा कि पीछे बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस 0.6 + 0.7 √recurring + 0.477 √recurring इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये तो पहले से जानते होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स, ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स एंड √11 - √7 / √11 + √7 = a - b √77, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस हमने आपको दे दिए और इसी पैटर्न पर आप बुक से कलेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन
को प्रिपेयर करें, जिससे कि अब लॉकडाउन खुलने के बाद या गवर्नमेंट का अगर डिसीजन आता है तो स्कूल जब ऑन होगा तो फिर आपके पीटी भी लिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप पीरियोडिक टेस्ट वन की प्रिपरेशन करें। तो पीरियोडिक टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए मैंने सिलेबस भी डिस्प्ले कर दिया है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको थ्योरी भी पढ़ाया है, उसमें भी क्वेश्चंस बताए थे और आज हम होम असाइनमेंट दे रहे हैं ताकि इन सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हर एक स्टूडेंट्स को करना कंपलसरी है। और फिर इसके अगले वीडियो में हम पॉलिनोमियल से जो चैप्टर 2 है ना मैथ का, क्लास 9th मैथ, उसके बारे में बताते हैं।